नमस्कार, मैं रमेश प्रजापति। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोटाद जंक्शन में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ खेड़ा जिले में स्थित रडू गांव में, जहाँ पर है कामनाथ महादेव का मंदिर। दोस्तों ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर लगभग 650 साल पुराना घी संभाल कर रखा है और ये घी अब तक वैसे का वैसा है, मतलब खराब नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। तो आज के सफर में दोस्तों हम अकेले नहीं है, पूरी फैमिली हमारे साथ है। तो रडू जाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले बोटाद से धोलका जाना पड़ेगा और धोलका से आगे लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता है, जो वहां जाकर पता चलेगा कि कैसे बस मिलती है या कोई प्राइवेट वाहन, तो वहां जाकर देखेंगे। बोटाद से धोलका जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस बोटाद से 7:30 बजे सुबह चलती है, जो लगभग 9:30 बजे के आसपास आपको धोलका पहुंचा देगी। तो फ्रेंड हम पहुंच चुका है धोलका रेलवे स्टेशन। रडू जाने के लिए बोटाद से ट्रेन लेकर हम पहुंचे धोलका। यहां से रडू लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो यहां पर हम जाकर बस स्टैंड गए और बस स्टैंड पर जाकर समय का पता किया तो पता चला कि बस 11 बजे की है। तो हम शटल रिक्शा में बैठकर पहुंचे रडू गांव। तो फाइनली फ्रेंड हम पहुंच गए हैं कामनाथ महादेव के धाम पर। तो चलिए अब अंदर चलकर दर्शन करते हैं। दोस्तों खेड़ा तालुका के खेड़ा धोलका हाईवे पर स्थित है रडू गांव, जिस गांव की दक्षिण दिशा में वात्रक नदी बहती है, जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। यहीं पर कामनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो मंदिर ईस्वी सन 1445 में बना था और महादेव की अखंड ज्योत को रडू गांव के जयसंग भाई इराभाई पटेल यहां पर लाए थे। जयसंग भाई का यह नियम था कि महादेव के दर्शन करने के बाद ही चाय पानी नाश्ता कुछ भी ग्रहण करते थे। उस समय रडू गांव में महादेव जी का मंदिर नहीं था, तब जयसंग भाई वात्रक नदी को पार करके पुनाज गांव में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, यह उनका नियम था। पुनाज गांव रडू गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बार बहुत भारी बरसात के कारण वात्रक नदी में बहुत तेज बाढ़ आई थी, उस कारण जयसंग भाई महादेव के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। नदी में बाढ़ 8 दिन तक रही थी, इसलिए उन्होंने 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास किया था। फिर 8वें दिन स्वप्न में भगवान महादेव ने जयसंग भाई को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम एक घी का दिया लेकर मुझे अपने साथ ले जाओ और यहीं पर मेरे शिवलिंग की स्थापना करो। सुबह उठकर स्वप्न की सारी बात गांव वालों को बताई, फिर गांव के सभी लोग मिलकर पुनाज गांव गए और वहां से दादा की जोत जलाकर महादेव की शिवलिंग को पुनाज गांव से रडू में लाया गया। श्रावण वद बारिश का वो दिन था, उस दिन बारिश के साथ हवाएं भी तेज चल रही थी, फिर भी बिना बुझे दादा की अखंड जोत यहां तक पहुंची। तब एक छोटा सा मंदिर बनाकर यहां पर महादेव जी की स्थापना की। इस जोत की स्थापना ईस्वी सन 1445 में हुई थी। आज इस जोत को 630 साल पूरे हो गए है। अखंड जोत में हर दिन 10 से 12 किलो शुद्ध घी का उपयोग होता है। यहाँ पर भावी भक्तों की बाधा मानता प्रवाह शुरू रहता है। इस गांव वालों का ये नियम है कि जिस किसी के भी घर में भैंस या गाय का पहले दूध का जो घी बनता है, उसे गांव के लोग महादेव जी की जोत के लिए अर्पण करते हैं और यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अपनी श्रद्धा शक्ति अनुसार शुद्ध घी का चढ़ावा करते हैं। इसी तरह श्रद्धालुओं की तरफ से घी का प्रवाह शुरू रहता है। आज के दिन 1300 जितने घड़े घी के भरे हुए हैं, जिसका उपयोग सिर्फ अखंड जोत और हवन के लिए किया जाता है। विक्रम संवत 2056 से पूरे श्रावण मास पर्यंत होमात्मक यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलता है, जिसमें लगभग 60 जितने घी के घड़े का उपयोग होता है, मगर उससे ज्यादा घी यहाँ आने वाले श्रद्धालु चढ़ाते हैं। इस घी को माटी के घड़ों में रखा जाता है। घी के घड़े खुले होने के बावजूद इसमें कभी भी कीड़े मकोड़े या अन्य जीव जंतु इस घी को दूषित नहीं करते हैं और ना ही कभी इस घी में कोई दुर्गंध आती है। ये कामनाथ महादेव का चमत्कार है। श्रावण वदी बारिश के दिन रडू गांव में बड़ा उत्सव होता है और बड़ा मेला भी लगता है।
दोस्तों यहाँ पर इस तरह के टोटल 4 कमरे हैं और हर एक कमरे में लगभग 400 के आसपास घड़े हैं और हर एक घड़े में लगभग 40 किलो के आसपास घी है, मतलब यहाँ पर लगभग 50,000 किलो के आसपास घी मौजूद है। और ये सबसे पुराना कमरा है, ये जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी तब ये स्टोर बनाया गया था। और ये सबसे पुराना कमरा है, इस कमरे में जो घी है वो घी लगभग 635 साल पुराना घी है। दोस्तों इस घड़े में जो घी है उस घी को लगभग 600 साल के आसपास हो गया, फिर भी आप देख सकते हैं कि इनमें जो घी है वो अभी भी ताज़ा है, यह कभी भी ख़राब नहीं होता है, इसमें ना तो कभी बदबू आते हैं ना ही किसी प्रकार के जीव जंतु इसमें पड़ते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम खेड़ा जिले के रडू गांव में मौजूद है और यहां पर है कामनाथ महादेव का मंदिर। ये मंदिर लगभग 600 से 650 साल पुराना है। तो यहां का पूरा इतिहास हमें बताएंगे यहां के किशोर सिंह झाला जी। तो किशोर सिंह झाला जी हमें इस पूरी जगह के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज। यहाँ पे सर सबसे पहले यहाँ पे रडू कामनाथ महादेव का मंदिर ध्यानी था, तो यहाँ से रडू के अपने हीराबीर जयसिंह भाई पटेल जो यहाँ के पूर्वज थे उनका नियम था कि जब तक दादा के दर्शन नहीं हो तो यहाँ से वो 7 किलोमीटर दूर पुनाज गांव दर्शन करने नदी पार करके जाते थे। उनका नियम था जब तक दादा के दर्शन नहीं हो जब तक पानी नहीं, चाय नहीं, खाना पीना नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे नदी के अंदर पूर्व बाढ़ आने के कारण वो 8 दिन तक बाढ़ पानी के अंदर पानी रहा नदी के अंदर, वो जा नहीं पाए। दर्शन उन्होंने नकोड़ा उपास किए, दादा की उपासना की। उसके बाद में 8वें दिन दादा ने सपने में उनको दर्शन दिए कि जा तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तेरे को जो मांगना हो वो मांग ले। फिर दादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे गाँव के जितने भी वासी हों परिवार हों वो आपके दर्शन कर सके, आपकी सेवा कर सके। जाए यहाँ से पुनाज गांव से हुए निकल जा अपने गांव को आदमियों को लेके, वहां से अखंड जोत लेके आ। वहां से अखंड जोत लेने के बाद में जय जगह वो ऊपर खड़े रहे, वहां पे दादा का मंदिर बन गया, स्थापित हुआ। और सन 1945 में अंदर मंदिर ने निर्माण थे, और जो हाल में बोला घी ना 4 खंडे हैं और एक मटके के अंदर 40 किलो घी स्टोरेज होता है। और अखंड जो थे वो उसके वो गए 634 साल पूरे, 634 साल पूरे हो गए। और 4 कक्ष है और 4 कक्ष में प्रत्येक कक्ष में लगभग 400 के आसपास घड़े हैं और प्रत्येक घड़े में लगभग 40 से 45 किलो के आसपास, 40 किलो के आसपास तकरीबन। अच्छा, तो देखा दोस्तों आपने ये पूरी इस जगह का इतिहास जो हमने किशोर भाई ने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर भाई हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र भी उपलब्ध है, तो चलिए प्रसाद भी हम ले लेते हैं। श्रावण बदी बारिश के दिन रडू गांव में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस दिन
भजन मंडली के साथ दादा की शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है। उस दिन दादा के दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदेशों से भी लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए अलग भोजनालय शुरू की गई है। महान लोक सेवक पूज्य रविशंकर महाराज का जन्म यहीं पर हुआ था, उसी के नाम पर ये श्री रविशंकर महाराज भोजनालय निःशुल्क रूप से शुरू किया गया है। यह सारी प्रवृत्ति श्रद्धालु भक्तजन के सहकार और श्रद्धा से होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार का फंड या दान लेने के लिए किसी को भी नहीं भेजा जाता। दोस्तों ये है हमारे साथ कांजी भाई मुखी। ये बहुत यहाँ के यहाँ पर सेवा करते हैं, यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बहुत ही हमारा बहुत ख्याल रखा कांजी भाई मुखी ने, तो अगर आप यहाँ आए तो कांजी भाई मुखी से जरूर मिलिएगा। अगर महादेव कामनाथ महादेव यानी कि हर मनोकामना पूरी करने वाले महादेव। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक महादेव जी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे और किसी नई जगह पर, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।